धर्मपत्नी के कल के एपिसोड के रिव्यू में मैंने एक गलती निकाली थी, और वो गलती ये थी कि प्रतीक्षा और रवि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इधर खड़ी है काव्या गेट के पीछे जो क्लियरली दिख रही है। प्रतीक्षा ने नोटिस किया नहीं किया वो पता ही नहीं, क्योंकि देख कर लगाने की उसने नोटिस किया था। बट आज क्या हुआ, आज इस गलती को मेकर से सही कर दिया। कैसे किया, आज जब मतलब रवि जा चुका था, तो निकलने वाली थी, प्रतीक्षा बोलती है रवि सॉरी काव्या रुको, मैं तुम्हें देख चुकी थी, लेकिन मैं तब जानकर शांति ताकि तुम देख सको कि मैं और रवि कितने ज्यादा करीब आ चुके हैं और क्लोज आ रहे हैं। तो ये सब बातें थी। मतलब ये लोग अब अगर कोई गलती करते भी हैं या फिर कुछ ऐसी चीज जो मतलब गलती से मतलब हो जाती है, उसको ये लोग अब कवर नहीं कर रहे, उसको ये लोग अब ऑफिशियली बता रहे कि हमने ऐसा क्यों किया। एंड सीरियसली मुझे ये चीज अच्छी लगी कि इस तरीके से मतलब ये लोग कर रहे हैं। सच में मुझे अच्छा लगा कि इस तरीके से इन्होंने किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इनकी जो गलतियां थी वो अलग ही लेवल पे जा रही थी, बट इनकी अब जो गलतियां हैं वो अब रेक्टिफाई कर रहे हैं अगले ही एपिसोड में। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड भले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, एपिसोड या शो ही पूरा खत्म होने वाला है, बट ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अच्छा है, वेल एंड गुड। अब आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा, वो ये कि भाई प्रतीक्षा को अपनी अग्नि प्रतीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा, ठीक है, और प्रूव करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल सही है और बिना किसी दिक्कत के सब कुछ सही चल रहा है। बट अगली जो चीज़ है जो मुझे मतलब काफी ज़्यादा शॉक कर रही है, वो ये कि काव्या मल्हार को फोन करके बोलती है कि तुम रवि के घर जाओ, अपने घर ना जाओ, ठीक है कुछ। उसके बाद मल्हार जब वहां पे पहुंचा तो वो काव्या से बात कर रहा था, क्यों वो पहले ही बोल रहा कि मैं पहुंच गया घर पे, ठीक है खत्म, लेकिन नहीं वो फोन करके बता रहे कि मैं रवि घर पे पहुंच गया। भाई करना थे तो सब ठीक है, तो उसको फोन क्यों कर रहा है, उसने रिश्ते को रास्ता बताया था, अब उस रास्ते पर चलना तुझे ही है यार, तू यहाँ पे फोन करके बता रहा भाई साहब हाँ काव्या मैं पहुंच गया रवि के घर। इसका मैं पर्सनली बताऊँ मुझे कोई सेंस नहीं लगा, सीरियसली इस बात का कोई सेंस नहीं था। चलो दिखा दे तो दिखा दिया, बट अगली जो चीज़ जो मुझे मतलब काफी ज्यादा अजीब सी लगी, ऑकवर्ड सी लगी, वो ये काव्या रवि के साथ क्लोज हो रही है, रवि भी हो रहा है बिकॉज ऑफ, लेकिन जब वो वीडियो बनाई है तो किसने ये नहीं पूछा कि वीडियो क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, क्या रीजन है वीडियो बनाने का, किसी ने नहीं पूछा। और मैं यही सोचा कि आखिर ऐसा क्यों क्यों नहीं पूछा भाई किसी ने कि वीडियो क्यों बना रहे हो, सिर्फ रवि और प्रतीक्षा सॉरी रवि और काव्या की ही क्यों बना रहे हो। सीरियसली यार मतलब यार चीजें हो रही है काफी ज्यादा सही, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसी जो है वो गलतियां हो जाती है, बट सीरियसली जो हो रहा है वो अच्छा है। बट सबसे अच्छा आज के एपिसोड का जो सीन था वो ये लगा कि हमारी बीजी आती है और जो वो मजे लेती है ना रवि और प्रतीक्षा से, उफ भाई साहब, छोटा सा था सीन था मोमेंट, बोलो जो कहना चाहो वो कह लो, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे मतलब मजा आया देखने में, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही एक नंबर का उसने जैसे कि बीजी मजे ले रही थी, वो चीज देखने में बड़ा मजा आया। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में अब क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, क्योंकि अब सिर्फ 5 एपिसोड बचे हैं, इन 5 एपिसोड में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को लेकर क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और इसी तरीके से आने वाले जो एपिसोड है उसके लिए उसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट।